Assalamualaikum dear students, chapter number 7, fundamental concept of organic chemistry. Next topic है cracking of petroleum. अब इस topic को study करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? Last lecture में हम लोगों ने study किया कि fractional distillation process से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 20% gasoline obtain होता है. अब ये जो 20% gasoline है ये हमारी डिज़ायर को पूरा नहीं करता, मतलब डेफिशिएंसी है. तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की ज़रूरत पेश आई. यही इसकी बेसिक नीड है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की, जिसमें जो बड़े बड़े और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत कम से कम है, उनको तोड़ के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स बनाए गए जो एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, एज ए गैसोलीन इस्तेमाल होते हैं, एज ए पेट्रोलियम यूज़ होते हैं. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के. कि जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है उसका नेम ही हमें बता रहा है कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, डेफिनेटली लॉन्ग चेन है तो उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट पे. जब हम उनको ब्रेक करेंगे, अब यहाँ पे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, जिनमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 40 तक जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अब इनमें दो तरह के बांड हैं, एक कार्बन कार्बन बांड है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बांड है. तो कौन सा बांड ब्रेक करेगा? इसमें कार्बन कार्बन बांड ब्रेक होता है, जिससे वो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब डेफिनेटली पहले वाली बात हो गया, अगर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा. जब वो कार्बन कार्बन बांड ब्रेक होगा तो लोअर हाइड्रोकार्बन बनेंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अब वो कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर है और कैटलिस्ट है. अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट आर ब्रोकन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमें यह भी पता चल गया है कि कार्बन कार्बन बांड ब्रेक होता है. आए हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं केमिकल रिएक्शन से. हमारे पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है हेक्साडिकेन, जिसका केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C16H34. आप जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं C16H34 हेक्साडिकेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है. जब हम इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, लाइक एनहेप्टेन जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, जिसका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C7H16. और उसके साथ साथ ये इथीन बनता है और प्रोपीन बनता है. इथीन का फार्मूला देखें तो H2C(CH2), प्रोपीन का देखें तो CH3CH(CH2). अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो प्रोडक्ट बन रही हैं, एक सैचुरेटेड और जो दूसरी दो प्रोडक्ट्स हैं नेक्स्ट वो अनसैचुरेटेड हैं, इथीन और प्रोपीन. तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? C16H34 दैट विल बी ब्रोकन इनटू C7H16 एनहेप्टेन प्लस 3H2C(CH2), तीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं इथीन के, प्लस CH3CH(CH2) दैट इज प्रोपीन. अब इसमें जो एनहेप्टेन है ये सैचुरेटेड है, इथीन और प्रोपीन अनसैचुरेटेड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम 3 टाइप्स की हैं, जिसमें नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 हमारे पास है कैटलिटिक क्रैकिंग और नंबर 3 हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग. अब इनके नेम्स ही हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे देते हैं. प्रोसेस चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही रहेगा. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स. नेम में देखें तो नेमिंग के अंदर उसका जो है वो कंडीशन हमें मिल रही है थर्मल क्रैकिंग. थर्मल मीन हीट मीन्स टेम्परेचर, कि ऐसी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हो. प्रोडक्ट देखें और रिएक्टेंट देखें सेम है, उसी तरह से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा, स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन बनेंगे,
एन हेप्टेन इथीन प्रोपीन, किसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो हम ऊपर वाली जो पहले हमने डेफिनेशन अभी स्टडी की है वही हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मॉलिकुलर वेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मॉलिकुलर वेट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये कौन सी टाइप है? थर्मल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर। देखें प्रोडक्ट वही बना है, क्या था? हेक्साडिकेन। प्रोडक्ट क्या है? सैचुरेटेड, और दो प्रोडक्ट हैं अनसैचुरेटेड, एन हेप्टेन और साथ में इथीन और प्रोपीन। नंबर टू कैटालिटिक क्रैकिंग। अब इस ए नेम के अंदर देखें कैटालिटिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डेफिनेटली टेम्परेचर और प्रेशर होगा लेकिन वेरी लो। प्रोसेस सेम है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स। प्रोडक्ट भी सेम है बट क्या है, कंडीशन डिफरेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट क्या है, नेम याद रखने हैं, नेम के साथ साथ उनका केमिकल फार्मूला भी लिखना है आप लोगों ने। नेम में देखें पहला कैटलिस्ट यूज़ होता है एलुमिना, जिसका केमिकल फार्मूला Al2O3, Al2O3 एलुमिनियम ट्राइऑक्साइड या एलुमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम नॉर्मली जो है कॉमनली एलुमिना कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सिलिका, जिसका केमिकल फार्मूला SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कॉमनली नोन एज सिलिका, और इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोडक्ट सेम है, केमिकल प्रोसेस सेम है। नंबर थ्री हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स्ड करते हैं विद द स्टीम। मिक्स करने के बाद हम उसको हीट करते हैं अबाउट 900 सेल्सियस के टेम्परेचर। जब इतने टेम्परेचर पे हीट कर लेते हैं तो हम उसको फास्ट कूलिंग करते हैं। जब कूलिंग करते हैं तो वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स टूट के स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं। लेकिन इनमें उन कंपोनेंट्स के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब वो बाई प्रोडक्ट्स में क्या है हमारे पास, इथीन प्रोपीन के अलावा ब्यूटीन पेंटीन और बेंजीन भी बनते हैं। अब ये जो बाई प्रोडक्ट हैं ये फिर क्या होते हैं, इनको आगे यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, फॉर एग्जांपल इनको यूज़ किया जाता है पॉलिश इंडस्ट्री के अंदर, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर, पॉलीमर्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है, वर्निशेस बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आगे यूज़फुल हैं हमारे लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो इसके अंदर अगर हम कंपेयर कर लें कि थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में से, तो हमें पता ही चलता है कि स्टीम क्रैकिंग सबसे ज़्यादा बेहतर है इन तीनों में से। क्यों? क्योंकि इनमें जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस भी है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की। अगर इम्पोर्टेंस को हम अलग से देख लें तो नंबर वन हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसोलीन। नंबर टू जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ रही हैं वो फर्दर यूटिलाइज हो रही हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रही हैं जो यूज़फुल हैं हमारी जो है सोशल लाइफ के अंदर। थैंक यू।